यह पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में विजन टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान उनसा ज्ञानी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंटॉरस मॉल में, जहाँ पे आज क्या 3 दिन से ये मैंगो फेस्टिवल चल रहा है जो कि कल संडे तक जारी रहेगा। तो एक चीज़, पाकिस्तान में वैसे तो आमों की बहुत ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत मज़े की लगी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 52 टाइप्स के जो मैंगोज़ हैं वो डिस्प्ले किए गए। उसमें एक सबसे मज़े की बात जो मुझे खुद आज पता चली है कि एक किस्म जो है वो सीडलेस मैंगोज़ की भी होती है, जिसमें सीड होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आके मुझे तो वैसे बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी मिली। इसके साथ साथ ना सिर्फ मैंगो डिस्प्ले किए गए, यहाँ पे आमों से बनने वाली जो मुख्तलिफ तरह की चटनियाँ होती हैं वो डिस्प्ले की गई हैं, आमों से बनने वाले जूसेस वो डिस्प्ले किए गए, और एक और मज़े की चीज़ के आमों से बनने वाले फ्राइज़ का तरीका और वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किए गए। तो आम तो वैसे हर एक इंसान को पसंद होते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जिनको आम नहीं पसंद होते होंगे या वो शौक से नहीं खाते होंगे। तो एक चीज़ है कि आम को फलों का बादशाह कहा जाता है, तो आज मेरा आवाम से भी एक बिल्कुल सिंपल सा एक यही सवाल होगा कि आम को फलों का बादशाह क्यों कहा जाता है। आइए जानते हैं यहाँ पे मौजूद लोगों से। अस्सलाम जी, आपका नाम? सैयद कलामत अली। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 52 टाइप्स के मैंगोज़ डिस्प्ले किए गए, तो आपने कोई यहाँ पे ट्राई किया है या कोई मैंगो आपने लिए? नहीं, मैंगो लिए तो नहीं है, देखे सब हैं और एक से एक खूबसूरत है, और कुछ ऐसे मैंगोज़ भी देखे जो हमने आम तौर पे नहीं देखे थे बाज़ार में, तो मेरे ख्याल में ये स्पेशल मैंगोज़ हैं। देख के बहुत लुत्फ आया, बहुत मज़ा आया, लेकिन सही बात है कि ट्राई अभी खाने की हमको चांस नहीं मिला अभी अभी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आम तो वैसे हर इंसान को पसंद होते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा इंसान होगा जो आम ना खाता हो। जी जी। और बहुत शौक से खाते हैं आम को, इसीलिए फलों का बादशाह भी कहा जाता है। आपको क्या लगता है आम को फलों का बादशाह क्यों कहा जाता है? आम को इसलिए फलों का बादशाह कहा जाता है कि ये बेहद जायकेदार होता है, मीठा होता है, और मेरे ख्याल में गैर फितरी या फितरी तौर पे हमें पूरा साल आम के आने का इंतज़ार रहता है कि वो कब मौसम आएगा जबकि हम आम खाएंगे, लिहाजा इतना शायद इसी किसी और फ्रूट का हम इंतज़ार नहीं करते, ऐसी बात है मेरे। ठीक है जी, थैंक यू। आपका नाम? तैयबा। अच्छा तैयबा, मुझे बताएं कि आप इतने सारे जो मैंगोज़ डिस्प्ले किए गए, आपने कोई टेस्ट किया है, कोई लिया है आपने? मैं यूके से आई हूँ और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मैंगो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा चौंसा ही मिलता है, ज़्यादा 52 टाइप्स के, जो कि मुझे भी आज पता चला है, ऐसे नए नए मैंने आम देखे, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है उनको देख के। मैंने सारी पिक्चर्स वगैरह ली हैं और मैं अपनी फ्रेंड्स को दिखाऊंगी कि हमारी कंट्री की इतनी अच्छी, इवन जो वहाँ पे इंग्लिश पीपल हैं दे लव ओवर पाकिस्तानी मैंगोज। अच्छा, मुझे बताएं वैसे आम को फलों का बादशाह कहा जाता है, इसकी क्या रीज़न है? फलों का बादशाह आई थिंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट टेस्ट ऑसम। आई थिंक तमाम फ्रूट्स में से सबका फेवरेट मैंगो ही है, सो आई थिंक दैट्स वाई इसको मैं फलों का बादशाह कहते हैं। ठीक है जी, थैंक जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इनामुल्ला, जो कि मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में उसकी तरफ से है, और यहाँ पे जो इतनी सारी टाइप्स मैंगोज़ की डिस्प्ले की गई हैं उसके हवाले से इनसे पूछेंगे उसकी जो है टारगेट ऑडियंस कौन है, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोगों को सिर्फ 3-4 एग्जाम का पता है, वही लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो इतनी सारी जो एग्जाम यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं तो इसका टारगेट ऑडियंस कौन है और इसकी प्राइसेस के हवाले से थोड़ा बताइएगा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इसको हमें प्रमोट करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। दूसरा, हमारा ज़्यादातर हमारी एग्जीबिशंस पहले होती थी मुल्तान में और उसके गिरदोनवा में, ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ से, दूसरा साल है हमारा कि हमने लाहौर इस्लामाबाद के अवाम को यहाँ पर इसको टारगेट किया है कि वहाँ के अवाम को शोर के लिए, और ख़ास तौर पर क्योंकि यहाँ पर बैन अलावी कम्यूनिटी मौजूद है और अपने आम की प्रमोशन के लिए इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पर ग्रोअर्स आए हैं, मैंगो ग्रोअर्स, मैंगो एक्सपोर्टर्स, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है कि उनको एक दुनिया का एक्सपोजर मिल सकता है, डिफरेंट इंपोर्टर्स मिल सकते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल वैरायटीज़ मिला के तकरीबन मोर देन 50 वैरायटीज़ हमने यहाँ पे डिस्प्ले की हैं, जिनमें हमारी अपनी कंट्री की जो 3 मेन कमर्शियल वैरायटीज़ हैं जो कि एक्सपोर्ट भी होती हैं, सिंधड़ी, एसबी चौंसा और वाइट चौंसा, इसके अलावा 2 ऐसी नई वैरायटीज़ हैं जो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर और सर्वेस की बेस पर सेलेक्ट की हैं, जिनमें चिनाब गोल्ड और अजीम चौंसा के नाम से 2 वैरायटीज़ हैं। इंशाल्लाह आने वाले सालों में ये जो हमारा गैप है वैरायटीज़ का, इसको पूर्ण भी करेंगी और एक्सपोर्ट का कैलिबर भी रखती हैं ये वैरायटीज़। आम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी हमने यहाँ पे मैंगो ग्रोअर्स को भी इनवाइट किया है जो कि यहाँ पे डिफरेंट इंपोर्टर्स से मिलेंगे, और इसके अलावा हम अपने जो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के टैग प्लांट हैं हम लोग वो भी सेल कर रहे हैं। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट में किसानों की भलाई के लिए उनको सब्सिडाइज रेट पर तकरीबन 140 पे एक प्लांट दे रहे हैं जो कि नॉर्मल मार्केट में तकरीबन 300 से 400 रुपये का मिलता है, और उसकी वैरायटी भी कंफर्म नहीं होती।
हमारा यहाँ जो 140 का प्लांट मिलता है, एक वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता है, पॉटेड मीडिया में। और अच्छा, मुझे बताएं एक चीज़ कि यहाँ पे खास तौर पे जो चीज़ मैंने देखी, सीडलेस मैंगोज और कुछ मैंगोज रेड कलर के, इस तरह की चीज़ें, ये तो मतलब मैंने कभी मार्केट में देखे ही नहीं है। तो ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है या फिर यहाँ पे सिर्फ लोगों को बताने के लिए डिस्प्ले की गई है? और इसकी ग्रोथ में कितना टाइम लगता है पाकिस्तान में ये, मतलब मार्केट में? तो आई डोंट थिंक सो के आती भी है कभी। अच्छा, जहाँ तक इसकी ग्रोथ का टाइम है तो एक आम नॉर्मल जो उसकी फ्रूटिंग है वो 3 से 4 साल स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तकरीबन 7 से 8 साल वो लेता है। जहाँ तक बात है ये ब्लश वाली वैरायटी से, रेड कलर का ब्लश है, तो इसके अंदर मोस्टली जो हैं हमारी पोली एम्ब्रियोनिक वैरायटीज़ जो हमने बाहर से उनकी कलमें इंपोर्ट करके यहाँ ग्रो किए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्रूट्स हमने बाहर से मंगवाए, ये फ्रूट्स हमने अपने रिसर्च सेंटर में ही ग्रो किए हुए हैं। जहाँ तक सीडलेस की बात है तो वो अंडर ट्रायल है, फर्स्ट टाइम उसको हमने सर्वे के थ्रू सेलेक्ट किया है और अभी उसको हम तकरीबन 3 से 4 साल और देखेंगे। अगर वो हमारे मेयार के मुताबिक उसका टेस्ट और जो भी स्टैंडर्ड हमें पूरा उतरता है तो इंशाल्लाह फिर उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आई एम डॉक्टर नवाल। अच्छा नवाल, मुझे ये बताएं कि आपने इतने जो यहाँ पे मैंगोज डिस्प्ले, उनमें से कोई टेस्ट किया अब तक? नहीं, आई एम नॉट टेस्टेड हेयर, लेकिन मैंने घर पर काफ़ी सारे टेस्ट किए हुए हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ देम, चौंसा वगैरह। तो मुझे बताएं, आम को जो है फलों का बादशाह कहा जाता है, आपको क्या लगता है क्यों कहा जाता है इसको फलों का बादशाह? I think it's one kind of a fruit jo ke everyone likes it, like there's no one else ki, no one here I don't think so ke kahega ki it doesn't taste good ya acha nahi lagta kisi ko, isliye isko phalon ka baag. Yeah, theek hai ji, thank you. जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मौजूद जो मैंगो फेस्टिवल में लोग आए हुए थे, वो इसको कितना ज़्यादा इंजॉय करें, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 50 टाइप्स ऑफ मैंगोज़ डिस्प्ले किए गए, जिसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनको मतलब मैंने तो पहली दफ़ा देखा, लेकिन देखने में वो इतने अच्छे लग रहे थे कि मेरा दिल किया मैं इनको ट्राई करूँ। ऑब्वियसली मैं अभी जो है ना इसको टेस्ट भी करूँगी कि ये किस तरह का इनका टेस्ट है। एक तो देखने में तो वैसे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन टेस्ट पर अभी हम जो है ना जाते हैं प्रोग्राम के बाद में टेस्ट करूँगी कि टेस्ट कैसा करते हैं ये। और लोग अभी ये क्योंकि 3 दिन से फेस्टिवल चल रहा है, तो मैं तमाम देखने वालों को यही कहूँगी कि कल का लास्ट डे, तो आप लोग ये मिस मत करें, चांस जरूर आके यहाँ पे इतने मज़े के जो एग्जाम के मैंगो डिस्प्ले किए गए और इतने ज़्यादा जो कि मैं पहली दफ़ा देखे मैंने भी, तो आई होप सो कि आप लोग जो आएंगे वो भी इस सबको जो है ना इन मैंगोज़ की टाइप्स को पहली दफ़ा देखेंगे और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करेंगे इस फेस्टिवल को। तो आना मत भूलिए यहाँ पर, कल इसका लास्ट डे है तो कल तक ज़रूर आएँ और इसको इंजॉय करें। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं विजन बने आपकी आवाज़, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ देखते रहिए विजन टीवी।